हिंदी मासिक पत्रिका और समाचार चैनल की अपार सफलता के बाद अब इंडिया एक स्पीक्स ग्रुप जल्द ला रहा है सबसे सस्ती और भरोसेमंद ऑनलाइन शॉपिंग प्रोड्यू डी लूटे, जहां आपको मिलेंगे देश विदेश के सौंदर्य उत्पाद बेहद किफायती दामों पर। हमने हमारे संस्थान में पहले हार्ट के पेशेंट का हम मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से चेकअप कैंप लगाते थे, सिर्फ चेकअप। लेकिन चेकअप के बाद हमने ये सोचा कि इसके आगे और बढ़ना चाहिए। तब हमने उन लोगों के आपके सर्जरी कह लीजिए, बाईपास कह लीजिए, इस टाइप के ऑपरेशन निःशुल्क कराने शुरू किए। हम जो भी काम करते हैं वो डॉक्टर महेश चंद्रा जिसको रिकमेंड कर देते हैं उस आदमी का हम ऑपरेशन कराने का प्रयास करते हैं। हमने पिछले 4-5 साल से करीब 6 लोगों के ऑपरेशन कराए हैं और 4 लोगों को हमने रोटरी क्लब के माध्यम से जिनके दिल में छेद था बच्चों के उनके ऑपरेशन कराए हैं और ये काम अभी भी जारी है और ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब हमने मेरठ में जिन लोगों के हार्ट में पेसमेकर लगना था उसके पेसमेकर लगाने का कार्य शुरू करा है। अभी पिछली 13 फरवरी को 16 लोगों के पेसमेकर लगे थे, जिनमें से एक पेसमेकर एक पीलीभीत की महिला को भी लगा है और ये कार्य पूरे साल भर चलता रहेगा। इसके लिए हमने जगह जगह पे बड़ी बड़ी होल्डिंग पीलीभीत में लगवा दी। हमारे साथ में नत्थो देवी, जिनका अभी हाल ही में पेज मेकर लगवाया गया है और निशक जनसेवा अमृत लाल जी के द्वारा। आइए इनसे बात करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा गरीब थी, क्या समस्याएं इन्हें हुई और कहाँ वहाँ पे गई तो क्या इनका पैसा खर्च हुआ नहीं हुआ और कितना ये खुश है। नत्थो देवी, आप कौन से गाँव में रहते हैं? महुआ जिला पीलीभीत। अच्छा, ये जो आपके जो सीने में दर्द होने लगा था ये कब से होने लगा था? देखो 9 साल बाद दिन से। तो इसका जो ऑपरेशन करवाया तो किसने आपको बताया, कैसे कहाँ ऑपरेशन हुआ? देखो महेश चंद्रा ने बताओ, अमृत लाल ने पठाओ। अच्छा, हाँ। तो महेश चंद्रा ने बताया, अमृत लाल जी ने आपके लिए पठाओ। हाँ, मेरठ में आपका ऑपरेशन हुआ। हाँ, तो उसके लिए आपको कोई पैसा खर्च करना पड़ा? कछु ना हो, पैसा खर्च ना हुआ और सब खर्चा उसे ही नहीं दिया और देखो परेशानी कछु ना भाई सही रहे। अच्छा, जैसे कि हार्ट की हम बात करते हैं तो पेज मेकर में बहुत अच्छा पैसा खर्च होता है, 2.5-3 लाख रुपए। हाँ यहाँ बताओ ही हो ये तो। तो आपके अगर अमृत लाल जी से नहीं मिलती तो आपका क्या ऑपरेशन हो सकता था? तो कैसे ही जाता। तो इसका धन्यवाद किसे देना चाहो? आप दोनों लोग ने बताओ। डॉक्टर साहब, जैसे कि निःशुल्क पेज मेकर की सुविधा दी जा रही है निशक जन सेवा के द्वारा भी और आपके रोटी के लिए, तो किन मरीजों को आप जो है भेजते हैं, ऑथोराइज करते हैं, किन कंडीशनों में करते हैं, क्या आपका लेवल रहता है मरीजों के लिए भेजने का? देखिए, जो पेज मेकर जिन लोगों को जरूरत होती है वो ज़्यादातर पेशेंट वो होते हैं जो कि जिन्हें हम वेट नहीं कर सकते, फौरन उन्हें पेसमेकर की ज़रूरत होती है और उसके लिए टेम्परेरी पेसमेकर फौरन डालना पड़ता है, फिर टेम्परेरी पेसमेकर डाल के तब परमानेंट पेसमेकर के लिए भेजना होता है। और ऐसे पेशेंट्स जिनको कि टेम्परेरी पेसमेकर पड़ा है उन्हें मेरठ तक भेजना थोड़ा डिफिकल्ट काम है, पर बहुत कम पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको कि हम जो चलते फिरते हैं और उन्हें पेसमेकर की ज़रूरत है, केवल उन्हीं पेशेंट्स को हम फ्री पेसमेकर के लिए मेरठ भेज पाते हैं। मेरठ में जसवंत राय हॉस्पिटल है, वहाँ डॉक्टर राजीव अग्रवाल हैं और अमेरिका की संस्था है, फाउंडेशन है, बॉस्टन कार्डियक फाउंडेशन, उन वो लोग फ्री पेसमेकर सप्लाई करते हैं और उनका है कि आप जितने चाहिए हमसे लीजिए।
और वो वहीं से अमेरिका से आते हैं पेसमेकर और उनको फ्री डॉक्टर राजीव अग्रवाल जसवंत राय हॉस्पिटल में डालते हैं। हमारी संस्था निशक जन सेवा संस्थान पीलीभीत के मरीजों के लिए जो पुअर पेशेंट हैं उनके लिए आने जाने खाने पीने ठहरने का पूरा इंतजाम फ्री में करती है, जो कि एक बहुत बड़ी सहायता है। कुछ पेशेंट्स को मैंने उनके माध्यम से पेसमेकर पढ़वाए हैं। पेसमेकर की कॉस्ट लगभग 1,30,000 से लेकर 2,00,000 तक होती है, जो कि वहाँ बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री, रियल सेंस में फ्री पेसमेकर वहाँ डालेगा। अच्छा, जैसे कि निशक जन सेवा के अध्यक्ष अमरनाथ लाल जी से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि डॉक्टर महेश जो हार्ट स्पेशलिस्ट है उनके रिकमेंड पे ही हम यहाँ से भेजते हैं, तो आपने कुछ क्राइटेरिया जैसे कि बहुत ज़्यादा गरीब है या पीलीभीत जिले का होना चाहिए, इस टाइप का कोई क्राइटेरिया? गरीब तो है ही भाई, गरीब आदमी ही एक फ्री में डलवाने जाता है, जिसके पास पैसा होता है वो फ्री में के काम कराने नहीं जाता है भाई। या तो गवर्नमेंट की कोई संस्था है तो वो ठीक है भाई, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम जा रहे हैं वहाँ हमारा कम खर्चा होगा, अदरवाइज जिसके पास जो अफोर्ड कर सकता है वो ने कहा साहब हमें ज़रूरत है, हम क्यों वेट करें मेरठ जाने का, हम जाते हैं अभी बरेली जाके पढ़वाते हैं या दिल्ली जाके अभी पढ़वाते हैं। तो ज़्यादातर जिनके पास पैसा जो खर्च कर सकते हैं वो अपना जाके पढ़वा लाते हैं, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में। पर जो वाकई में गरीब है जिन्हें कि वो वेट कर रहे हैं कि भाई हम कहीं से पैसा जुड़ाएं, पैसा जुटाएं तब हम पेसमेकर डलवा पाए, उनके लिए बहुत बड़ी सहायता है इस तरह से एक फ्री पेसमेकर। अच्छा, हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल के माध्यम जो पीलीभीत जनपद के लोग हैं जो गरीब हैं बहुत ज़्यादा जिनके पास इलाज के लिए पैसा नहीं है, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? अगर किसी भी पेशेंट को ज़रूरत है पेसमेकर की, किसी डॉक्टर ने बता रखा है या हमने बता रखा है, तो वो इतनी हिम्मत जुटाएं कि भाई मेरठ चले जाएं और उसकी भी उसका भी अरेंजमेंट निशक जन सेवा संस्थान कर रहा है, उन्हें आने जाने का अरेंजमेंट कर रहा है, खाने पीने का अरेंजमेंट कर रहा है, ठहरने का इंतजाम कर रहा है। पर कम से कम इतना तो करना ही पड़ेगा कि उन्हें जाना पड़ेगा मेरठ। कितने ही पेशेंट मेरे ही ऐसे पेशेंट हैं जो कि नहीं साहब हम कहाँ, हम तो नहीं जा सकते साहब, मेरठ तो बहुत दूर है, क्योंकि गरीबी है हमारे देश अभी में। अभी हाल ही में एक छोटे से बच्चे का पेसमेकर आपके द्वारा रिकमेंड करा गया था वो आया है, और एक लगभग 65 ईयर की बीचलपुर की थी उनका आया था, वो भी स्वस्थ है बिल्कुल, बहुत अच्छा काम कर। अभी हाल ही में आपने कितने लोगों को रिकमेंड करा है? नहीं, अभी तो 2 ही पेशेंट का हुआ है, और होते हैं कई पेशेंट पर वो जाते नहीं, कितने ही नहीं जाते और वो इंतजार करते करते खत्म हो जाते हैं।